नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले जा रहे एशिया कप के सुपर चार मुकाबले को बारिश के कारण रोकना पड़ा था, जिसके बाद यह मैच कल सोमवार 11 सितंबर यानी रिजर्व डे पर खेला गया। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए 228 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 357 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत की इस धमाकेदार जीत के साथ टीम इंडिया को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA की कैंपेन कमेटी की पहली बैठक आज मंगलवार 12 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कमेटी के काम करने के तरीके और रैलियों के कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मंगलवार 12 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही उन सीटों पर भी मंथन होगा जहां से कांग्रेस चुनाव हारी थी। देश में होने वाले आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि जो इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल सोमवार देर रात को अपने आवास पर मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की एक बैठक बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश की करीब 40 विधानसभा सीटों की उम्मीदवारी पर चर्चा हुई। दरअसल ये वे सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। बता दें JP नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव शामिल थे। साथ ही बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। वहीं 13 सितंबर को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार 11 सितंबर को कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल RSS के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ दो श्रद्धालुओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि RSS अवैध तरीके से मंदिर का उपयोग कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से RSS या इसके सदस्यों को मंदिर के परिसर का अवैध उपयोग करने और अनधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। बता दें कि इस मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रावणकोर देवस्व ओम बोर्ड यानी TDB के पास है। वहीं इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल के नरेंद्र और जस्टिस PG अजीत कुमार की बेंच ने एक आदेश में कहा, त्रावणकोर देवस्व ओम बोर्ड के प्रबंधन वाले उक्त मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी। चिरायन कीजू थाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को पाबंदी का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने में जरूरी सहायता करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश में बहस जारी है। इस बीच कल सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे देश हित में बताते हुए कहा कि बीजेपी का मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत और भारतीयों के हित में है, क्योंकि इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। आपको बता दें कि PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर देश में इसकी व्यवहार्यता जानने के लिए इस महीने की शुरुआत में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने DMK नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी का मतलब है कि वे सनातन धर्म का अनादर करने वालों के पूर्ण समर्थन में हैं। दरअसल DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक बयान में सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसका केवल विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर ने एक वायरल वीडियो में दावा किया है कि उन्हें 2009 में पूर्व CM मनोहर जोशी के घर पर हमला करने के लिए उनकी पार्टी के नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने उकसाया था। उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में संबोधन के दौरान यह बात कही। PTI के अनुसार वीडियो में माहिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरवणकर ने दावा किया, मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में जोशी के आवास पर सितंबर 2009 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जब सरवणकर को टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुझे जोशी के आवास पर हमला करने के लिए कहा था, क्योंकि जोशी ने मेरे टिकट का विरोध किया था। जैसे ही मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकला, मुझे संजय राउत का फोन आया
और उन्होंने मुझे पेट्रोल ले जाने का निर्देश दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार विधायक सरवणकर कोल्हापुर में एक पार्टी बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पागल शिव सैनिक थे, हमने सिर्फ मातोश्री के आदेश का पालन किया। जब हम जोशी के 13वीं मंजिल वाले घर पर पहुंचे तो कुछ मीडिया चैनलों के साथ 15-20 शिव सैनिक वहां मौजूद थे, लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास मातोश्री का आदेश है और हमें इसके साथ आगे बढ़ना होगा। अगले दिन उन्होंने मुझे मीडिया रिपोर्टें दिखाई कि मैंने जोशी के घर पर हमला किया था और अब मैं चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने उनसे कहा कि मैंने आदेशों का पालन किया, लेकिन उद्धव चले गए। इस तरह वे शिव सैनिकों को फंसाते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप के बाद मरने वालों का आंकड़ा 2800 पार पहुंच गया है, जबकि 2562 लोग घायल हुए है, जानकारी अल जजीरा की रिपोर्ट में दी गई। वहीं जीवित बचे लोगों को ढूंढने के लिए बचाव अभियान जारी है। अल जजीरा के मुताबिक शुक्रवार को आए भूकंप के बाद स्पेन, ब्रिटेन और कतर की टीमें भी मोरक्को में बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं। वहीं इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि मोरक्को में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।